22. Ang pangalan ni Timothy, patriyada yung patos sa bayis. 1 Timothy chapter 5 verse 22. Pahila Timothy adi patos ka bayis. 1 Timothy. Pahila Timothy. Chapter 5. Adi patch. Verse 22. Usta bayis. पहला तिमोथी की पत्री पहला तिमोथियों की पत्री अध्याय 5 वर्स 22 उसका 22 किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना अपने आप को पवित्र बनाए रख पालकांची निवड करण्यात कधी घाई करू नये घाई केली तर कदाचित त्याच्या पापांकडे दुर्लक्ष होईल आणि लोकांना वाटेल की या पापांना तुझे मान्यते आहे सर्व प्रकारच्या पापांपासून तू स्वतः दूर राह आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करून आम्ही प्रेमी पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येतो या सकाळच्या वेळेस या दुपारच्या वेळेस प्रभू तुझ्या पवित्र सान्निध्यात तू आम्हाला आणलं समोर आम्ही तुझे आभार मानतो तुझ्या सर्व गोष्टी मिळते ना कधी कोणी होता ना कधी कोणी आहे ना कधी कोणी असं आहे आज प्रभू पवित्र पिता तू वचनाच्या द्वारे आमच्याशी बोलतोस आणि आम्हाला वचन पालन करणारा अंतकरण दिलोस म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो आम्हा सर्वांवर तुझं रक्त लावतो प्रभू तुझी विपुल दया आशीर्वाद मानतो धन्यवाद देतो पुढील सर्व गोष्टीत प्रभू तुझा हात मानतो आम्हा सर्वांचं काम उघड आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकणारे तुझी लेकर म्हणून ही आमची विनंती आमची प्रार्थना आहे प्रभू आम्हाला आज्ञा पालनाचं अंतकरण दे ही माझी विनंती माझी प्रार्थना आहे आमच्या सर्वांवर तू दया कर येशूच्या नावाने आमेन प्राण्यांना काय आहे त्यांना पाय आहे चार पाय और प्राणी को क्या आहे चार पैर घरी अशी बसले आणि असे पूर्जा दोन पायांनी असे खाताना तुम्हाला दिसले और कभी वो ऐसे बैठे आगे के जो उनके हाथ है उनसे वो खाना खा रहे ऐसे आपको कभी दिखाई दिए क्या नहीं ते तो मैंने खाता वो मुंह से खाते ये प्राणी है वो प्राणी पक्षी तुम बघा वो पक्षियों को भी देखो तो इन पक्षांना बघितलं ते आपल्या चोचीने उचलतात और पक्षियों को अगर आपने देखा तो अपनी चोच से वो उठाते त्यांना दोन पाय और उन्हें दो पैर पण हाथ नाही पर हाथ नहीं हाथ कोणाला आहे हाथ किसको आहे आपल्याला हमें है कारण आपण देवाच्या स्वरूपात आहोत क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं आपल्या स्वरूपात आपल्याला बनवले और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है देवाला ही दोन हात आहे और प्रभु को भी दो हाथ है उजवा आणि डावा एक दाया और एक बाया देवाला दोन हात आहे और प्रभु को दो हाथ है म्हणून बाइबल नीति सूत्र मध्ये सांगितलं की देवाच्या उजव्या हातामध्ये दीर्घायुष्य आहे और बाइबल में नीति वचन में बताते हैं कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में धन मान दीर्घायु है आणि त्याच्या डाव्या हातामध्ये धन मान समान आहे और उसके बाये हाथ में और धन मान समान है हे दोन्ही हात तो जेव्हा आपल्यावर ठेवतो हे दोनों हाथ अगर जब वो हमारे ऊपर रखता है त्याच्या लोकांवर ठेवतो उसे लोगों के ऊपर रखता है त्याच्यावर आयुष्य तो उसके ऊपर दंड आयुष्य और उसके ऊपर बहुत आयु आणि धन मान समान असतो और धन मान समान रहता है प्रियांनो देवाच्या वचनानुसार जर तुम्ही पाहिला देवालाही दोन हात आहे देवाला जास्त हात नाही इसे प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप देखोगे तो परमेश्वर को सिर्फ दो ही हाथ ज्यादा हाथ नहीं है दोनों ही हाथ सामर्थ्य है पर वो दोनों भी हाथ सामर्थ्य है तेच हाथ तसेच देवाने त्याच्या स्वरूपात आपल्याला बनवल्यामुळे एक नाक दोन हात तसेच आपल्यालाही दोन हात दिले और उसने अपने स्वरूप में हमें बनाए हमें एक ही नाक दो आंखे दिए तो वैसे भी परमेश्वर ने हमें दो हाथ दो ही हाथ दिए हैं म्हणून हे दोन हात देवाच्या समोर पसरवण्यासाठी देवाच्या कामाला वापरण्यासाठी देवाने दिलेला आहे और ये दो हात परमेश्वर के सामने हमें जोड़ने के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए आगे रखने के लिए दिए गए म्हणून जेव्हा आपले हात आपण देवाकडे उभारतो तो या दोन्ही हातांना तो काय करतो बघतो आणि त्याचा मान ठेवतो और इसे जब हम दोनों हाथों को उसकी ओर फैलाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है उसे देखता है उसे मान देता है म्हणून तुम्हा सर्व पुरुष मंडळीला सांगण्यात आलेला आहे जिसे सारे पुरुषों को बोला गया है कि पुरुष सारे पुरुष क्या हो अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे क्या करे इसी अध्याय में आप पढ़ सकते हैं अगला का अध्याय तुम्हें पढ़ सकता हूँ तिमोथी की पत्री में तिमोथी तिमोथी का पत्र है उसका आठ दो का आठ दो का आठ म्हणून सर्व ठिकाणी पुरुषांनी पातके कुठं सर्व ठिकाणी काय लिहिले सर्व ठिकाणी खास फक्त तुमच्या घरात नाही
सिर्फ आपके घर में नहीं, फक्त तुमच्या चर्च मध्ये नाही, सिर्फ आपके चर्च में नहीं, कुठेही कहीं पर भी काय लिहिलेलं आहे, काय लिखा आहे मी तुम्हाला सांगते, जो पुरुष आपले हात देवाकडे उभारतो तो प्रभावशाली असतो. और जो पुरुष अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाता है तो वो प्रभावशाली होता है. पुरुष देवाचं भय मानतो तो श्रीमंत आणि सफल असतो. और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो जो मनुष्य है वो अमीर रहता है. जो पुरुष देवाच्या समोर आपला हात जोडतो देव लोकांचे हात त्याच्या पुढे जोडतो. और जो पुरुष यहोवा के सामने अपने हाथों को जोड़ता है परमेश्वर क्या करता है, लोगों को उसके सामने हाथ जोड़ने के लिए विवश करता है. जो पुरुष प्रार्थने में अपना हाथ देवाच्या समोर जोड़तो ना देव त्याला कधी माणसांच्या पुढे असं करायला देत नाही, माणसं त्याच्या पुढे असतात. और इसलिए जो पुरुष यहोवा के सामने से दोनों हाथों को जोड़ता है तो वो कभी भी परमेश्वर से मनुष्य के सामने ऐसा हाथ जोड़ने नहीं देता. पुरुषाला गिफ्ट है और ये पुरुष को गिफ्ट आशीर्वाद है, ये उसको मिली हुई आशीष है. त्याच्यात आम्ही काही नाही स्त्रिया काही नाही करू शकत और उसमें हम स्त्रिया कुछ भी नहीं कर सकते. कारण तुम्ही पहिले बनवले गेले, क्योंकि आप पहिले बनाए गए. बाइबल सांगतं पहिला पुरुष बनवला गेला और बाइबल बताते की पहिले पुरुष बनाया गया, त्याला आशीर्वाद दिला और उसको आशीष मिले, त्याला आशीर्वाद दिला उसको आशीष दिया, त्याला त्याच्या स्वरूपात बनवले और उसको अपने स्वरूप ने उसने बनाया. थोड़ा काल गेल्यानंतर हवा झाली और थोड़ा काल जाने के बाद फिर हवा बनी, स्त्री झाली और बाद में स्त्री बनाई. पहला देवाने पुरुष स्वतःसाठी बनवला और परमेश्वर ने सबसे पहला पुरुष अपने लिए बनाया स्वतःसाठी खुद के लिए. म्हणून जेव्हा तुम्ही येशूला सोडून देवाला सोडून कुठे जाता ना तुम्ही सक्सेस कधी नाही होणार. इसलिए जब आप येशू को छोड़कर कहीं पर भी जाते हो ना आप कभी भी यशस्वी नहीं होगे. तुमचा जन्म देवासाठी झाला, क्योंकि आपका जन्म परमेश्वर के लिए, देवासाठी देवाच्या जवळ राहण्यासाठी और परमेश्वर के लिए परमेश्वर के निकट रहने के लिए. जेवढा देवाच्या जवळ जितना परमेश्वर के निकट तेवढा देव तुमच्या जवळ, उतना परमेश्वर आपके निकट. जेवढं देवाच्या तुम्ही जवळ जितना परमेश्वर की आप निकट तेवढं तुम्ही पवित्र और उतना आप पवित्र तेवढं तुमच्या तेज देवाचं तेज तुमच्या तुम्ही निघेल और उतना आप परमेश्वर का तेज आपके मुख से निघेल. मोसेस तोतला होता और वो तोतला था, हकलायचा और वो हकल जाता, बद्दा जिसे कहते बद्दा बोलने वाला, हकल के बात करता था और वो बद्दा था. बरोबर आहे, पण त्याला कुणाच्या समोर पाठवलं, उसको किसके सामने भेजा, त्या फिरौनच्या समोर जिच्याकडून तो पळून गेला और उस फिरौन के सामने जो उसके सामने से भाग गया था. पण जेव्हा तो देवाच्या जवळ गेला, पण जेव्हा वो परमेश्वर के सामने गया, फारोच्या समोर तो उभा राहिला आणि फारो झुकला, वो फारो के सामने खड़ा हुआ और फारो उसके सामने झुक गया. पहिला फारो पासून पळाला होता, पहिले वो फारो से भाग गया था. वाचलं आहे ना, यावर पडा आहे ना, न्यू त्या वचनात तुम्हाला नाही ना वाचलंय ना, तिथून तो पळाला और वहां से वो भाग और डर के मारे, घाबरून डर के मारे, आता मी मर्डर केलाय मला जेल मध्ये टाकतील, मला मारून टाकतील और मैंने खून किया है वो मुझे जेल में डाल देंगे. पण किती वर्ष तो लपून राहिला और कितने साल तक वो छुपा रहा, 40 वर्ष लपला, 40 साल तक वो छुपा रहा, 40 वर्ष, 40 साल, एक दिवस नहीं दो दिवस नहीं 40 वर्ष, एक दिन नहीं दो दिन नहीं 40 साल, 40 वर्षानंतर देव स्वतः त्याला बोलवून पाठवला और 40 साल में परमेश्वर ने खुद उसको बुलाया. तो जसा बघा वरून त्याला आग तो दिसली और ऊपर से उसको आग तो देखी, निवड द्यायची होती जायचं त्याने और चुनाव उसका था कि जाने का कि नहीं, त्याने निवड केली जायची और उसने चुनाव किया कि मुझे जाना. जसा देवाच्या आगीच्या जवळ गेला और जैसे वो परमेश्वर की आग के करीब गया एवढा तो तेजोमय झाला, त्याला बोलावणे झाले, एवढं सामर्थ्य त्याला मिळालं की तो फारो म्हणाला तुझं तुझ्या लोकांना मेंढरं वेंढरं सगळ्या बायका तुझी पोरं जेवढी तुझी लोक आहेत काय तुझं चिंधी बिंदी पण तिला ठेवायचं नाही, निघून जा या देशाला. और इतना वो पुरुष जो मुझे तेजस्वी हो गया उसकी उसमें इतना सामर्थ आ गया कि फारो उसके सामने झुक गया और फारो ने कहा कि जितना सब कुछ तेरे पास है वो लेकर तो यहाँ से चला जाए. पावर होती और फिरौन के पास पावर थी, ताकतवर होता और ताकतवर शब्द ना पावर होती और उसके शब्द को ताकत थी. त्याच्यापेक्षा ही जास्त जवाब मोसेस देवाच्या जवळ गेल्यामुळे मोसेसच्या आज्ञेचं त्याने पालन और मोसेस ज्यादा परमेश्वर के निकट गया इसलिए मोसेस ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया. एक अशा तोतरे माणसाच्या समोर और ऐसे तोतरे मनुष्य के सामने है ना. तुम्ही लक्षात ठेवा पुरुष तुम्ही साधारण लोक नाही आहे, इसलिए आप साधारण लोग नहीं है. तुम्हारा देवाने त्याच्यासाठी बनवलं और परमेश्वर ने आपको उसके लिए बनाया. जेवढं तुम्ही जवळ जाता ना और जितना आप उसके करीब जाते हैं तेवढं सामर्थ्य आहे तुला, उतना आप सामर्थ्य है, एवढं पावर आहे तुला और उतनी पावर है आपने. म्हणून तुमचे हातही देवाने पवित्र केलेले आहेत, इसलिए आपके हाथों को भी परमेश्वर ने पवित्र किया है. तुमच्या हातामध्ये ती पावर आहे, इसलिए आपके हाथों में वो पावर है. काय सामर्थ्य दिलेले और क्या सामर्थ्य दी है मराठी देवाचं. म्हणून सर्व ठिकाणी पुरुषांनी पातके राग आणि द्वेष सोडून देऊ. सर्व ठिकाणी म्हणजे फक्त घरात नाही, तिथे लिहिले सर्व ठिकाणी पातके म्हणजे तुमचं जे काही पाप आहे
ते सोडून नंतर दुसरं राग राग तुम्ही तर रागवत नाही पण घरी रागवता आम्ही यहां पर गुस्सा नहीं करते घर में गुस्सा करते घरी रागवताना घर में गुस्सा करते पत्नी के ऊपर बच्चों के ऊपर छोड़ देना है आपसे पाप के छोड़ दीजिए और पापों को छोड़ देना है तीसरा तीसरा आणि द्वेष 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 आणि बैर करणार नफरत ठेवणं त्या व्यक्तीसाठी जसं तुमच्या नॅचरली समजा तुमची बायको किंवा तुमची मुलगी किंवा तुमची लोक तुमच्या मनाच्या विरुद्ध वागत असतील और आपकी पत्नी आपकी लड़की आपके घर के लोक अगर आपके मन के विरुद्ध कुछ काम करते हैं त्या वेळेला तुमच्या मनात त्याच्यासाठी द्वेष असेल त्यामुळे तुम्हाला ते आवडत नसते द्वेष म्हणजे आवडत नाही तो आपके मन में उनके लिए बैर रहेगा वो व्यक्ति आपको अच्छी नहीं लगेगी कभी कभी सासू आवड़त नहीं कभी कभी सास अच्छी नहीं लगती सासरा आवड़त नहीं और ससुर अच्छा नहीं लगता कभी कभी ननंद आवड़त नहीं कभी कभी तुम्हारा ननंद नसते तुम्हारा साली साली का नाम नेवणी आवड़त नहीं और साली आपको अच्छी नहीं लगती साला आवड़त नहीं नेवणा आवड़त नहीं साला अच्छा नहीं लगता नहीं आवडणार नहीं अच्छा तरी बाइबल सांगतं की तुम्हाला कोणी आवडो हे सर्व तुम्हाला काढायचे और आपको बातों को निकालना है कुठं कहां पर सर्व ठिकाणी सब जहां पर तुमच्या घरात मतलब आपके घर में ऑफिस मध्ये आपके ऑफिस मध्ये चर्च मध्ये आपके चर्च में रोड वर रोड प्रत्येक ऊपर पाक के आपको पाक आणि दुसरा आहे तुमचा राग दुसरा आहे आपला गुस्सा तिसरा आहे तुमचा द्वेष तिसरा आहे आपला तुम्हाला आवडत हे सर्वांपासून तुम्हाला दूर करायचं सारी बातों को आपको दूर करना है आणि और पवित्र हात उंचावून प्रार्थना करावे तुमच्या हात कधी पवित्र होतात आपके हात कब पवित्र होते हैं नहीं जब आप पातक करना छोड़ देते हो पाप करना छोड़ देते हो गुस्सा करना छोड़ देते हो और भय रखना छोड़ देते हो तब आपके हाथ पवित्र हो जाते हैं जब तुम्हें पाप करना सोड़ देता राग करना सोड़ देता द्वेष करना सोड़ देता तेव तुमसे हाथ पवित्र होता पुरुषों के लिए पुरुषों से लिए जब आप पाप करना छोड़ देते हो जब तुम्हें पाप करना सोड़ देता तो कौन सा पाप है कौन सा पाप है पुरुषों को कौन से पाप आते हैं पुरुषों को कौन से पाप है हाँ गुस्सा ही पाप है और झूठ बोलना पाप है पुरुषों को देखो कौन सा आता है व्यभिचार ये छोड़ देना है और व्यभिचार छोड़ देना है और हाँ व्यसन करना तंबाकू दारू बीड़ी सिगरेट जो कुछ आप करते हो याद से तंबाकू दारू सिगरेट जे काही आज के बाद एकदम भी नहीं पीना है आणि आजपासून एका व्यक्तीने सुद्धा प्यायचं नाही दारू भी नहीं दारू पण नाही तंबाकू भी नहीं तंबाकू पण नाही बीडी भी नहीं बीडी पण नाही सिगरेट भी नहीं सिगरेट पण नाही बघ तलब आहे तो क्या करने का तलब आल्यावर काय करणार बड़ी सूट टाका तुम्ही बड़ी सूट टाका तुम्हाला सबसे बेस्ट है आपको प्रार्थना सर्वात बेस्ट आहे प्रार्थना जब आपको तलब आती है आप प्रेयर करो जब तुम्हाला तलब येते तुम्ही प्रार्थना करा प्रार्थना करने का प्रार्थना करायची मुझे मदद करो प्रभु मला मदद करो मुझे पीने की इच्छा है मला पीण्याची इच्छा आहे मेरा हात अभेजा ऐसा हो रहा है आता मी नाही असं होत आहे कब मैं साइड में डालू आणि कधी इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसा मसलते हैं तो आणि किती चांगलं वाटतं जेव चोळतात तेव्हा अंदर बहुत अच्छा लगता है जो मसलता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है कभी हाँ कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर अंदर की आत्मा खुश हो अरे आपकी आत्मा खुश हो जाते हैं ये छोड़ देना है तब आपके हाथ पवित्र तब तुमचे हाथ पवित्र तब आपके हाथ तब तुमचे हाथ पवित्र पवित्र आगे पवित्र हाथ उनका हाँ इन हाथों को उठाकर ऐसे पवित्र हाथ उठाकर फिर प्रेयर करो अच्छे पवित्र हाथ उचलून मग प्रार्थना करा अगर आपको समझा आपको समझ में आया तुम्हारा समझ जैसे आपको प्रभु ने अपने खुद के लिए बुलाया म्हणून तुम्हाला देवाने स्वतःसाठी बोलवलेला इसीलिए शैतान पुरुष को ही गिराना चाहता म्हणून शैतान पुरुषालाच वाढू इच्छितो पुरुष को ही गिराना चाहता है क्योंकि मालूम है उसको अगर पुरुष सही नहीं है पुरुष बराबर नहीं है पुरुष के घर में तकलीफ दूंगा तो नेचुरली घर तितर बितर हो जाएगा जर पुरुष बरोबर नाही तो आपल्या घराला भी चालवत नाही तो आपण काय होईल त्याचं घर तितर बितर होऊन जाईल बीवी को भी तितर बितर कर सकता हो दुखी रख सकता हो रोते हुए रख सकता हो झगड़ालू बना सकता हो क्योंकि आप जैसे रहते हो वैसे आपकी वाइफ बनती है आणि त्याच्या पत्नीला मी काय करू शकतो भांडकर बनू शकतो तिला दुखी बनू शकतो तिला रडणार बनू शकतो का कारण जसं तुम्ही राहता तसं तुमची पत्नी ऊपर आपकी वाइफ आपके बच्चे बनते हैं आणि तुमच्यावरती काय होतं तुमची मुलं आणि तुमची पत्नी बनतात हमेशा याद आणि नेहमी लक्षात ठेवा इसलिए पुरुष सही
कुटुंब सही. जर पुरुष योग्य तर आपले त्याचं कुटुंब पण योग्य. पुरुष सही नाही कुटुंब बरोबर नाही. जर पुरुष बरोबर नाही तर त्याचं कुटुंब पण बरोबर नाही. पुरुष परमेश्वराचा भय मानता आहे. जो पुरुष देवाचा भय बाळगतो कुटुंब हमेशा भय राहील. मग कुटुंबामध्ये नेहमी भय राहील. आशिष राहील आणि आशीर्वाद पुरी राहील. भरपूर करत असले प्रिय आज परमेश्वर का वचन आपसे हर पुरुषों को आज कहता है अपने पवित्र हाथों को उतरने के लिए आज से आपको पाप छोड़ना है. आणि सर्व पुरुषांना आज देव म्हणतो की तुमचे हात पवित्र करण्यासाठी तुम्हाला पाप सोडायचे आहे. दुसरा दुसरं आपण गुस्सा छोडणं आहे. तुम्हाला राग सोडून द्यायचं आहे. तिसरा तिसरं वैर छोडणं आहे आणि द्वेष सोडून द्यायचा. आणि तुम्ही इथं राग करता का? आपको पूछा है आप इधर गुस्सा करते हो क्या? आणि तुम्ही इथे राग करता का? आपके मालिक के सामने आप गुस्सा करते हो क्या? तुमच्या मालकाच्या पुढे तुम्ही राग करता का? भले आपके मालिक की गलती हो भले तुमच्या मालकाची चूक असून दे नाही ना नाही ना लेकिन घर में करते है ना. पण घरात करता ना टाइम पे खाना नाही हुआ तो वेळेवर जेवण नाही झालं तर मन की इच्छा के अनुसार कुछ गलत हुआ तो आणि मनाच्या इच्छेनुसार काही चुकीच झालं तर त्याते वो भी नहीं करना है. वापस वो लाइन पढ़ना और हम यहाँ रुक कर आपके लिए पहले प्रेयर करेंगे फिर आगे के वचन में जाएंगे. पूरा लाइन वाज म्हणून सर्व ठिकाणी पुरुषांनी सर्व ठिकाणी यानी हर जगह पर पुरुष लोगों ने पातके पाप राग गुस्सा आणि द्वेष सोडून देऊन बैर छोडकर पवित्र हात उंचा हे छोडने के बाद आपले हात होली हो जाएंगे पवित्र हो जाएंगे. इन हातों को उठाकर प्रार्थना करावी अशी माझी इच्छा आहे. ऐसा प्रार्थना करना ये परमेश्वर की इच्छा है. किसकी इच्छा है? कोणाची इच्छा आहे? पवित्र आत्मा की इच्छा. पवित्र आत्म्याची इच्छा. बायबल किसने लिखा? बायबल कोणी लिहिलं? होली स्पिरिट ने. पवित्र आत्म्याने. तो पवित्र आत्मा की इच्छा है. मग पवित्र आत्म्याची इच्छा आहे. आपण खडे हो जाएंगे. या आपण उभे राहू. आप ही हो. तुम्ही बसा. आप खडे हो. तुम्ही सर्व समोर. सारे पुरुष खडे हो जाएंगे. सर्व पुरुष उभे राहतील. आंखों को बंद करेंगे. डोळे बंद करा. आप लोग भी आप बंद करो. तुम्ही डोळे बंद करा. ऐसा मतलब सोचो कि आपके लिए वचन नहीं आगे आएगा. वचन आणि थोडे मोठे झाले पण वचन येईल. मी आय ये वचन निघलं तर इथले लेना ही पडेल. आपो को बंद करो आणि सर्व पुरुषांनी डोळे बंद करा. प्रभू बरं प्रभू मी आपो को पवित्र करो आणि प्रभू मला प्रभू माझे हात पवित्र कर. आज मी पाप नाही करणार आणि आजपासून मी पाप नाही करणार. मी गुस्सा नाही मी राग नाही करणार. हर किसी भी जगह कोणत्याही ठिकाणी. असे नाही की मी घर में जाने के बाद गुस्सा करून असं नाही की मी घरात गेल्यावर राग करेन. ट्रेन में करून ट्रेन मध्ये किंवा रस्ते में करून किंवा रस्त्यावर करेन. नाही करून असे मी गुस्सा नाही करून. आजपासून प्रभू मी राग नाही. किसीशी दुश्मनी वैर नाही करून मी कोणाशी वैर नाही ठेवणार. प्रभू प्रभू मी हातो को पवित्र कर. माझ्या हातांना पवित्र कर. कबूल करता हूँ मी कबूल करतो की मैंने बहुत आपको दुखाया कि मी तुला खूप दुखवले. मी आपसे हमेशा भागता ही रहा आणि मी नेहमी तुमच्यापासून पळतच राहिले. की आप चाहते हो मैं आपके करीब हूँ आणि बल्कि तुमची इच्छा आहे की मी तुमच्या जवळ राहावं. मी आपसे दूर ही रहता पण मी तुमच्यापासून लांबच राहतो. आनंद चाहता हूँ आणि मला यायचं तर आहे. मेरे पाप मुझे रोक रहते पण असे पाप मला अडवून ठेवतात. आज मी म्हणून आज मी आपके पास कबूल करता आणि तुझ्याकडे कबूल करतो. माफ करू मला माफ करा. क्षमा करू मला क्षमा करा. पवित्र लहूचे धुणा मला तुमच्या पवित्र रक्ताने धुवून टाका. हातों को पवित्र कर. हातांना पवित्र करून पवित्र हातो को उठाकर पवित्र हातांना उतरून प्रार्थना करणे वाला प्रार्थना करणारा ऐसा मुझे बना. असं जण तुम्हाला बनव. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप मेरे मददगार हो. तुम्ही माझे मददगार आहात. मेरे सहायक हो. तुम्ही माझे सहायक आहात. मेरे शरीर में हो. आणि तुम्ही माझ्या शरीरामध्ये आहात. बल से काम करो. बलाने काम करा. सामर्थ्य काम सामर्थ्याने काम करा. मुझे मदद करो मला मदत करी. माझी विनंती आहे. ही माझी प्रार्थना आहे. येशू म्हणजे मेरे अंदर आपका स्वरूप आणि आणि येशू माझ्यामध्ये तुमचं स्वरूप येऊन द्या. येशू मेरे अंदर आपकी सत्यता आणि दो. आणि येशू माझ्यामध्ये तुमची सत्यता येऊन द्या. येशू म्हणजे आपका प्रकाश आणि दो. आणि येशू माझ्यामध्ये तुमचा प्रकाश येऊन द्या. येशू आपका सामर्थ्य आणि दो. आणि प्रभू येशू तुमचं सामर्थ्य येऊन द्या. मैं न दिखो आणि मी माझ्यामध्ये न दिसो. आप मुझमें दिखो तुम्ही माझ्यामध्ये दिसो. आप मुझमें बढ़े आणि तुम्ही माझ्यामध्ये वाढावे. घर के लोगों के लिए माझ्या घराच्या लोकांसाठी और आपके लिए आणि तुमच्यासाठी बहुत प्यार हो आणि खूप प्रेम माझ्यामध्ये. प्रेम से भरतो मला प्रेमाने भरून टाक. ये अगर सब होगा आणि हे जर सगळं काही असेल तो पाप भी चला जाएगा. तर पाप पण निघून जाईल. गुस्सा भी जाएगा. राग पण जाईल. वैर भी जाईल. द्वेष पण जाईल. इसलिए मेरे अंदर म्हणून माझ्यामध्ये शांती शांती द्या. मुझे शांत बना. मला शांत बनवा. येशू के नाम से. येशूच्या नावामध्ये जे बनवा मला बनवा. अपना जीवन हे माझं जीवन आपको देता तुम्हाला देतो. येशू के नाम से. येशूच्या नावाने. आमेन.
पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते प्रभु मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता इन सारे पुरुषों को आपके हाथों में लेकर प्रभु अपने इनके हाथों को जैसे इन्होंने बोला है पवित्र करने के लिए आप इनके हाथों को पवित्र करो अब तक इस क्षण तक पवित्र पिता आज की तारीख 19 तारीख अब तक जो भी इस हाथों से जीवन से हुआ यीशु के लहू से धो डालते हो शुद्ध करते हो पवित्र करते हो और प्रभु याद से पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करने वाला जैसे आपकी इच्छा भी यही है ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं दया रखना आपका बल इनमें आने की घोषणा करते हो आपकी सत्यता आपका प्रकाश आपका प्रेम प्रभु आपकी दया आपकी करुणा आपकी बुद्धि इनमें आने की मैं घोषणा करती हूँ पूरे मन से पूरी शक्ति से पूरे बुद्धि से पूरे प्राण से आपको प्यार करने के लिए अपने आप से प्यार करने के लिए और अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए इनको तो मदद प्रभु यीशु के नाम से मैं ये डिक्लेयर करती हूँ ये आज्ञा भी अपने पुरुष को ही दी है हम सारे श्रेय तो प्रभु को ही तो पिता इनके अधीन रहकर आपके अधीन रहकर इनके अधीन रहना है लेकिन आज्ञा पालन प्रभु इन्हें करना इन्हें बहुतायत बढ़ाना इन्हें आशीषित करना प्रभु ही हमारी प्रार्थना ये आपका भय मानने वाला था इसलिए हर एक के अंदर भय आने यीशु के नाम से इनके अंदर भय आने यीशु के नाम से इनके अंदर भय आने पिता परमेश्वर का भय प्रभु यीशु मसीह का भय पवित्र आत्मा का भय यीशु के नाम से आने यीशु के नाम से आने धन्यवाद है जी और आपके साथ ज्यादा करीब आने के लिए हमेशा ज्यादा आपके चरणों में बैठने वाला घुटने टिका टिका कर प्रार्थना करने वाला आपका जन्म बने परमेश्वर का जन्म परमेश्वर का जन्म बने परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग तो कौन सी बातों से धन का लालच करना पाप करना गुस्सा करना और द्वेष करना भय रखना और प्रभु आपका वचन कहता है धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज नम्रता का पीछा होता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ जो अनंत जीवन के लिए धर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया है ये वचन में इनके ऊपर रखकर इन्हें आशीषित करते और आज से प्रभु इनके अंदर पवित्र पिता धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज नम्रता और विश्वास की अच्छी कुश्ती प्रभु मैं इनके अंदर डिक्लेयर करता धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद ये सब भरने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से बैठ जाए हरी होते हैं जैसे हम देख रहे थे कि हमने पढ़ा तू किसी पर शीघ्र हाथ न रखना हम तो पढ़ा ऐसा मतलब है हम किसी के पापों में सहभागिता नहीं रखना ऐसा अर्थ है कि हम पड़ोसा पापों में सहभागिता करो नहीं जिसका अर्थ मैं आपको बता दियो ऐसा अर्थ में तुम्हारे सामने जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण अर्थ है अभी ये गलत काम करने जा रहे हैं काम करायला जा रहे हैं भाग रही है समझा ही पड़ते अपनी माँ के घर से पढ़ून सारे आईच्या घर तो फिर मैं क्या कर रही हूँ मम्मी क्या करते मम्मी का प्लानिंग को सक्सेस करा तिला पढ़ने की जी योजना है त्याच्यामध्ये मी तिला मदत करते मम्मी इसकी घर आई मी जो घरी आली अश्विन दाई को बोला अश्विन दाई ना म्हणून बाजार जा रही आम्ही बाजारात चाल आम्ही बाजार जाते आणि आता बाजारात जाऊन येतो चल बोलायची अच्छा रेशमा ऐसा करके मैंने भगा लिया ऐसा करो मैं तेरा पड़ोस डाल दे तो इसका मतलब है मैंने इसके पाप में भागी मतलब मैंने मेरा हाथ डाला ऐसा आता है मैं तेरे पापा मेरे तेरा हाथ डाला मुझे तेरा सहभागिता जाकर समझा कोई गलत काम करता है कोई चुकीसा काम करता है हम उसमें सपोर्ट करते हैं अपन तेरा सपोर्ट कर दो इसका मतलब है हम उसके पापों में भागीदार ऐसा अर्थ है कि अपन तेरे पापा मेरे सहभागिता के लिए आलूंगा भले हम मूर्ति पूजा नहीं करते भले हम मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन मूर्ति के लिए वस्तुएं देते हैं और मूर्ति सारी वस्तु देते पैसा देते हैं पैसे देते हो या उनके साथ से वो जगह पर जाकर तो मंदिर में जाकर हमें बाहर खड़ा हूँ कि वह त्यांच्या साठी आपण जाऊ चलता नहीं मंदिर में जाना आणि मला मंदिरात जायला चालत नाही या मंदिर के देवड़ी पे बैठे कि वो मंदिर के देवड़ी वरती बसता पायरी वरती बसता तो इस मंदिर में हम उसके पापों में सहभागी करें ऐसा अर्थ है कि अपन तेजा पापा मध्य सहभागी करें ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा देवा का वचन कहता है कि किसी पर भी शीघ्र हाथ नहीं रखना दूसरों के पापों में सॉरी
दुसरों के पापों में भागी न होना आणि कोणावरती लवकर हात ठेवू नकोस आणि दुसऱ्यांच्या पापांमध्ये सहभागी किसी के भी पापों में जल्दी से इंटरफेरेंस करके उसको छुपाना नहीं और उस पापों में और बढ़ ये व्यक्ति बढ़ जाए और पाप करता जाए ऐसे में हम शामिल नहीं होना आणि कोणाच्या पापांमध्ये आपण हात नाही टाकला पाहिजे आणि त्याला सपोर्ट नाही केला पाहिजे पाप करण्यासाठी मुझे आणि मला सुद्धा जाने दो भाई आपकी कमजोरी है अभी क्या करेगा आप निर्भर है पी लो जाने दो एक दिन प्रभु आपको छोड़ देगा चलेगा चलेगा आणि असं मी नाही बोलू शकत आणि असं मी नाही करू शकत की तुमची ती निर्भरता आहे तुम्ही आता पिऊन घ्या देव तुम्हाला एक दिवशी नक्की होऊन जायगा और पिएगा ना काय होऊन जाईल तो अजून जास्त पियाला मी उसको और पापों में उसका भागीदार होईल ना मी त्याला अजून पापामध्ये पाडण्यासाठी भागी झाले ना आपलं समज मी आलाय की तो दूसरा जो पहला पॉइंट जो हाथ हाथ शीघ्र नहीं रखना वो रह गया पॉइंट लेकिन मैं उस पर आती हूँ लेकिन जो दूसरा पॉइंट है हमें दूसरों के पापों में भागीदार नहीं होना है और दूसरा पॉइंट है कि आपको दूसरे के पापों में सहभागिता नहीं कहना कोई अगर पाप करता है उसको हम सपोर्ट नहीं करना और कोई अगर पाप कर दो तो अपन सपोर्ट नहीं कराए जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ अगर आपके बच्चे गलत काम करते हैं या हिंदू पद्धति से शादी करते हैं तो हम उसको जाकर सपोर्ट नहीं करना जब तुम्हारी मुल हिंदू पद्धति मध्य लग्न करता तो मैं अपन जाऊन सपोर्ट नहीं पैसा नहीं देना त्याला पैसे नाही द्यायचे जाके खडा नाही देणार आणि त्याचं उभं नाही राहायचंय तू तुझे मर्जीचे करत आहे तू तुझ्या मर्जीने करत आहे तेरी इच्छा तुझी इच्छा मी बाहेर नाही मी तिकडे नाही जेव्हा आपण तिथे आपली उपस्थिती देतो भागीदार होतो याचा अर्थ आहे की आपण त्यांच्या पापामध्ये भाग घेतो मालूम आज हमारा परमेश्वर कहता है कि किसी के पापों में भागीदार मत होना जैसे उदाहरण कोई दारू पी रहा है तो उसके साथ आप जाके वहां बैठ के थम्सअप मत पीना आणि कोण जर समजा दारू पिता आहे तर तुम्ही तिकडे बसून त्याच्याबरोबर थम्सअप पिऊ नका नाही भेट सकते नाही बसू शकत तुम्ही याने आप उसके पापों में भागीदार हो रहे म्हणजे तुम्ही तुमच्या त्याच्या पापामध्ये भागी होत आहे आप सीधा बोलना मुझे इसे बैठक में बैठना मना है आणि तुम्ही सरळ बोलायचे की मला अशा बैठकीमध्ये बसणं मना आहे आपको करना जरूरी आणि हे तुम्हाला करणं गरजेचं आहे पॉइंट लिखाय की तू शीघ्र किसी पर हात नाही रखना आणि पहिला पॉइंट लिहिलेला आहे की तू लवकर कोणावरती हात ठेवू नको की हात प्रभूने हमें अभिषेक किए आशीष दिया इस हात को अथॉरिटी है आणि या हाताला अधिकार आहे देवाने हातामध्ये सामर्थ्य दिलेलं आहे येशूने कहा तो बीमारों पर हात रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे आणि येशू म्हणाले तुम्ही रोग्यांवरती हात ठेवाल तेव्हा ते बरे होऊन जाईल मरकुस में भी पढ़ सकते हो आणि मार्क मध्ये पण वाचू शकता की येशूने ऐसी आज्ञा घोषणा की जी उठने के बाद की तुम बीमारों पर हात रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे आणि येशूने जीवंत झाल्याच्या नंतर अशी घोषणा केली की तुम्ही रोग्यांवरती हात ठेवलं तर ते बरे होऊन जाईल जो सामर्थ्य येशू के पास था ना वही सामर्थ्य उसने आपके हाथों को दिया आणि जे सामर्थ्य येशूकडे होतं ना ते सामर्थ्य तुमच्या हातामध्ये येशूने बीमारों के ऊपर हात रखा और वे चंगे हो गए आणि येशूने रोग्यांवरती हात ठेवला आणि ते बरे झाले वही सामर्थ्य उसने आपको और मुझे दिया आणि ते सामर्थ्य त्याने तुम्हाला आणि मला दिलेलं आहे लूक अध्याय 40 उसके लूक अध्याय 4 उसके 40 में पढ़ सकते हैं कि यीशु ने उस पर हाथ रखे और वो चंगा हो गया अनु अध्याय 4 ते 40 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की येशू ख्रिस्ताने त्याच्यावरती हात ठेवला आणि त्याला लगेच आरोग्य मिळालं और वही काम उसके शिष्य और आज हम भी करते हैं आणि तेच काम त्याचे शिष्य आणि आज आपण सुद्धा करतो येशू के नाम से मेरा पैर दर्द होता है मेरा हाथ नहीं है हाथ प्रभु का है अभी इसी घड़ी इस पैर के दर्द को निकल जाने के आदमी से येशू के नाम से रब है आणि येशू चंगा हो जाता है ना पैर आणि लगेच पायाला आरोग्य भेटतं ना ये अथॉरिटी प्रभूने सेम हमको दिए आणि हा अधिकार देवाने सेम आपल्याला दिलेला आहे येशूने हात रखे फूका और उनको पवित्र आत्मा मिला आणि येशूने हात ठेवला त्याने मोकन मारले आणि त्याला लगेच पवित्र आत्मा मिळाला वैसे ही है कि हम भी हात रखने दे जब पढ़ सकते प्रेरितो के काम में शिष्यों ने हाथ रखा और उन्हें पवित्र आत्मा मिला आणि प्रेषितांच्या कृत्यातून वाचू शकता की प्रेषितांनी हात ठेवला आणि त्यांना पवित्र आत्मा भेटला वही अधिकार आपको मिला है आप जब किसी पर हात रखते हो तो आपके अंदर का स्पिरिट पवित्र आत्मा उस पर वास करता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है आणि तोच अधिकार तुम्हाला पण दिलेला आहे की तुम्ही जेव्हा कोणावरती हात ठेवता तर त्याला पण पवित्र आत्मा देण्यात येतो इसी कारण से प्रियो बाइबल के अनुसार हम किसी के ऊपर शीघ्र हाथ रखना मतलब कैसे कभी कभी क्या होता है हमारा लाइफ अगर बराबर नहीं रहेगा आणि कधी कधी काय होतं जेव्हा आपलं जीवन बरोबर नसतं हमारा लाइफ बराबर नाही रहेगा जर आपलं जीवन बरोबर नसेल सोचो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चल रहे आणि विचार करा आपण पवित्र आत्म्याची प्रेरणेने नाही चालत और मैं एक इसी ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रही हूँ अविश्वासी है या मेरे पड़ोसन है या चर्च का कोई मेंबर है आणि अविश्वासी है किंवा माझे शेजारी है किंवा चर्च मधला एक मेंबर आहे मैं अगर इस पर हाथ रख के प्रेयर कर रही हूँ यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी ये चंगी हो जाए इसको क्या बीमारी है खांसी है यीशु के नाम से खांसी की आत्मा दूर है आणि येशूच्या नाम खोकल्याचा आत्मा निघून जाईल तो फिर क्या होगा मालूम मग काय होईल अगर
इसका वाइफ तो सही नहीं से खास ही हुआ आणि इसे जीवन बरोबर नाही म्हणून इला खूप शिक्षा मिला तिला शिक्षा भेटली परमेश्वर की ओर से उसे ताड़ना मिली आणि देवा म्हणून तिला ताड़ना भेटली आहे लेकिन अगर मेरा वाइफ करेक्ट नाही आहे ना पण जर माझं जीवन बरोबर नाही आहे ना दुष्टात्मा प्रतिकार करने वाला उलट फेर करने वाला यानी बदला लेने वाला आत्मा आणि जो दुष्टात्मा आहे तो काय करतो पुन्हा वार करणारा तो आत्मा वो बलवा करने वाली आत्मा आणि तो बलवा करणारी आत्मा कहते विपरीत यानी प्रतिकार विरोध करने वाली अंधेरा मतलब विरोध करना तो अभी वो उसके ऊपर कार्य कर रही तो नेचुरली वो मुझसे जरूर लड़ेगी आणि तो जो कार्य करतोय म्हणून ती नक्की माझ्याशी लढेल आणि वो मुझ पर जरूर हमला करेल आणि तो नक्की माझ्यासाठी हमला करेल मेरा लाईफ कमजोर आहे जर माझं जीवन निर्बल आहे तर वार करता है और कभी कभी स्पिरिट वार करता है ऐसा कि आपका जीवन स्ट्रॉन्ग हो और उसके लिए हमारा जीवन मजबूत होना चाहिए हर क्रिस्ती लोकांचं जीवन एवढं मजबूत नसतं और हर मसीह का जीवन इतना मजबूत नहीं होता तुम्ही प्रार्थना करा आप प्रार्थना करो पौल म्हणतो पटकन हात ठेवून प्रार्थना करणार पौल कहता है कि तुरंत हात रखकर प्रार्थना करो समोरच्या व्यक्तीचं पण जीवन बघा स्वतःला ही परखा और सामने वाले का भी जीवन देखो और अपने आप को भी परखो नहीं तो आपके ऊपर करंट वार जीवन कुणाला ब्लेसिंग द्यायला सुद्धा हात ठेवताना समजून ब्लेसिंग द्या और किसी को आशीष देते समय भी सोचो समझ कर उसके ऊपर हाथ रखा समोरची स्पिरिट त्याच्यामध्ये कोणती कोणती आत्मे और क्या मुझे उसके अंदर कौन सी कौन सी आत्मा है जो तुमच्यावर करंट वार करती जो आपके ऊपर करंट वार करेगी तुमच्यावर अटॅक करते आपके ऊपर हमला करेगी हात सांभाळून वापरायला सांगितलं इसे संभाळकर हात का इस्तेमाल करायचा हात ठेवताना थोडा सा विचार करून हात ठेवायचा और किसी के ऊपर भी हात रखते समय सोच विचार करके हात रखना है उसका जीवन देखना है ज्याच्यातून कोणतो खरंच त्या असं न जसं उदाहरणार्थ आपण कसं आपल्याकडे प्रथा आहे लोकांच्या इथे की पाया पडणं और हमारे पास जो संसार के जो लोग हैं उनके पास ऐसी प्रथा है कि पैर पड़ना पाया पड़ना में जैसे अपन लोग जाते पाया पड़ो पाय लगो माझी और पेट पड़ते समय आवन हो तो पाय लगो माझी पाया पड़ पाई ऐसा करता है वो लोग झुक झुक झुओ बेटा झुक झुक झुओ सौपुत्र बनो सुपुत्र की माँ बनो अशा आशीर्वाद देतात ना ऐसा आशीर्वाद देते बरोबर पहिली बात तो हमें पैर पड़ना मना है पहिली गोष्ट की आपल्याला पाय पडणं मना आहे बायबल हमें स्पष्ट बताती हमें इंसानों के पैर नहीं पड़ना आणि बायबल आपल्याला स्पष्ट रीतीने म्हणते की आपण माणसांच्या पाय नाही पडायचे प्रभू कहता आहे की प्रभू येशू को ही तो दंडवत कर आणि प्रभू म्हणतो की प्रभू येशूला स्वतः तो दंडवत रेगुलेशन में आप पढ़ सकते प्रकटीकरण तुम्ही वाचू शकता यहाँ लिखा है की हमें येशू को ही दंडवत करना है प्रभू को ही दंडवत करना है बाकी किसी के नहीं आणि तिथे लिहिलेलं आहे की आपल्याला फक्त येशूलाच नमन करायचं आहे बाकी कोणालाच नाही दुसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि हमें थोड़ा सा किसके हम पैर पड़ रहे हैं और कौन किसका हाथ मेरे ऊपर आ रहा है ये भी हम चेक करना है आणि कोणाचा आपण पाय पडतो आणि कोणाचा हात आपल्यावर घेत आहे आपल्याला चेक करायचं हम तो चलो ब्लेसिंग के लिए कर रहे हैं झुक झुक पाय लागू माझी थैंक यू पाय लागू माझी पाय पडतो आहे हाँ लेकिन देने वाला आशीष पण आशीर्वाद देणार काय म्हणून क्या क्या उसे हातोटी द्वारा उतरेगा काय माहिती त्याच्या हाताचे द्वारे काय काय उतरेल इतकी सारी आत्माही उतरेंगी किती सारी आत्मा बंधन उतरेंगी बंधन उतरेंगी आजार पण उतरेल इसी कारण से हमें बहुत जागरूक रहना है किसका हात हमारे ऊपर जाए म्हणून आपल्याला खूप जागरूक राहायचं की कोणाचा हात आपल्यावरती आहे नॅचरली अभि हमारी माँ को तो बोल नाही सकते ना बेटा माँ मेरे ऊपर हात नको ना ऐसे बोल सकते आपण आपल्या आईला असं बोलू शकतो का की तू माझ्या डोक्यावरती हात ठेवू नको बोल सकते बोलू शकतो का इसलिए रखने दो म्हणून हात ठेवून द्या लेकिन उसके बाद अपना हात रोना पे रोना पवित्र आत्मा मेरे में प्रज्वलित हो जाए त्याच्यानंतर स्वतःचा हात फिर बोला की पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये प्रज्वलित होतो की द्वारा पवित्र आत्मा इसे मैंने बोला ना पवित्र आत्मा हात रखने से क्या मिलता है पवित्र आत्मा मिलता है हात ठेवल्याने काय भेटतो पवित्र आत्मा भेटतो आपके पास अथॉरिटी है पवित्र आत्मा मिलने की और तुमच्याकडे अधिकार आहे पवित्र आत्मा भेटने इसलिए कोई अगर आपको ब्लेसिंग दे रहा है अभी नेचुरली कभी कभी रस्ते में कोई आदमी हाथ रख देता है सलून वाला देखो आपके सलून बाल काटता है सलून वाला तो हाथ रखता है ना सलून वाला तो हाथ आप देखो जब भी आप सलून से बाल काट के आने के
जीवन आपले कभी कभी सील दरवत आहे आणि सगळं मरून केस कापून आल्याच्यानंतर कधी कधी कोणतं डोकं होतं निर्बंध वाटते गुस्सा आता आहे राग येतो चिडचिडा पण होऊ जात आहे आणि एकदम चिडचिड होऊन जात उसकी उसकी जो स्वभाव आहे वो कभी कभी उतरते आणि त्यांचा जो स्वभाव आहे तो कधी कधी उतरतो आम्ही आवडते पार्लर मध्ये जाते आमच्या स्त्रिया पार्लर मध्ये जातात असे सीर पे हात रखे बाल काटली आहे आणि डोक्याचे हाते अभि हमारी पार्लर मध्ये आवडते तो बहुत मॉड आहे आणि आमच्या पार्लरवर जे स्त्रिया आहेत त्या खूप मॉड आहे इसलिए पार्लर में गई हुई लड़कियां भी क्या हो जाती है औरतें उन्हें भी ऐसा लगता है क्यों ना मैं भी ऐसी फैशन करूं क्यों ना मैं ऐसे मॉड बनूं क्यों ना मैं ये करूं ये फीलिंग्स आने लगती है ऑटोमेटिकली आने लगती है पार्लर क्योंकि वो स्पिरिट उसके द्वारा उतरा रहता है आणि पार्लर मध्ये जाणारे स्त्रियांना पण असंच वाटतं की मी पण मॉड बनावं मी पण चांगली दिसावं म्हणून तो आत्मा त्यांच्यावरती उतरून आलेला असतो ओ उनके हाथ से आ जाते आणि त्यांच्या हाताच्या द्वारे तो येतो तो इसलिए आपण तो नाही बोल सकते बिना हाथ के बाल काटना ऐसा नहीं बोल सकते ना तुम्ही असं त्यांना नाही म्हणू शकत की न हात ठेवता केस काप जो कुछ करना है करो पार्लर में आणि जे काही तुम्हाला पार्लर मध्ये करायचे करा तुरंत बाहेर आते अपना नाही तो उधर बैठे बैठे अपना हाथ घुमा सकते आणि तिथे बसल्या बसल्या असा हात ठेवा आता देखो इधर ट्रेन में छक्के लोग रहते हैं हमारे लेडीज में लोग रहते हैं जेंट्स में मुझे नहीं मालूम मैं जब भी जेंट्स में गई छक्के नहीं मिले लेकिन लेडीज में हमारे छक्के बहुत आते हैं आणि लेडीज जब हमारे छक्के खूप येतात आता काय करणार ते तर हात ठेवतात अभी क्या करते का वो हात ठेवते ये रे बेटी आता ती जातच नाही हो जातेही नाही है ना तो अभी अगर पहिले तो हात रखी लेते पहिले हात ठेवून घेतात दे कधी कधी काय करतात काही कब कब क्या करते कुछ लोग देने के बाद दे दिया ना बाबा तू हाथ मत तो भी उलग नहीं आशीष बहुत आशीष ऐसा आशीर्वाद देऊन जा अभी हम उसको बोल सकते ए भाई मजे लगा तू और ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे सर पर हाथ तो मत रख नहीं रख बोल सकते हैं नहीं कर दूसरे लोग ऐसा बहुत इसे हम क्या करने का उसने रखने के बाद तुरंत अपना हाथ रखने को मैंने तो कोई प्रार्थना मारे मुझे प्रज्वलित हो यीशु चुनावों में कोई प्रार्थना अरे लोगों को क्या मालूम है हम प्रेयर कर रहे हैं हम तो हमारे बाल क्लियर कर रहे हैं क्यों कहने का मतलब हम प्रार्थना करते हैं आप अपने कैसे नेट करते हैं भाई नहीं जैसे केसर आ सके ना और उस औरत ने उनके सर पर ऐसे किया तो तो केसर खराब लगी ना वाइट नहीं बोला हम केसर सर इसलिए बाल ठीक कर रहे हैं बुद्धि लगाने बुद्धि लगाई उनको तो काम है नहीं आणि त्यांना तर काम आहे नाही और उनको कोई काम पे रखते नहीं आणि कोणी त्यांना कामावर ठेवत नाही इसीलिए वो ऐसा ही व्यवहार धंदा करते आणि असंच लोक काम करते जसे हम उनको कुछ देने से हमारा नुकसान नहीं होता हम त्यांना काही देणे आपलं नुकसान नाही लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा हमारे हाथों में आशीष है आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आपल्या हातामध्ये आशीर्वाद आहे पवित्र हम हात रखने से पवित्र आत्मा आपण हात ठेवल्याने पवित्र आत्मा येतो आपण सत्य वचन भूमी वचन देते देऊ पेरिदो के काम 8:17 में जहाँ उन्होंने हाथ रखकर उन रखा वैसे उनको पवित्र आत्मा मिला प्रेषितों से कुलते अध्याय 8:17 में जैसे तैने हाथ फैला त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आला रेवलेशन चैप्टर 1:17 प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:17 त्याच्यामध्ये असे लिहिले आहे यहोन्ना येशूचा पाया पडला और प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:17 में आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर लिखा गया है कि यहोन्ना ने उसके उसने यहोन्ना ने परमेश्वर के पैर छुआ हाँ और लास्ट अध्याय मध्ये रेवलेशन में आप पढ़ सकते हैं जहाँ लिखा है तू मेरे पैर मत पड़ मैं भी तेरे जैसा ही साधारण मनुष्य हूँ इसीलिए उसी परमेश्वर के पैर पड़ना आणि लास्ट अध्याय मध्ये मी वाचू शकता की तो म्हणाला की तू माझ्या पायात पडू नको तू फक्त देवालाच नमन कर लेवी अध्याय 1:4 में पढ़ सकते है आणि लेवी अध्याय 1:4 मध्ये वाचू शकता प्रायश्चित करने के समय पर भी जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो प्रभु का दास उसके ऊपर हाथ रखता है आणि जो कोणी प्रायश्चित करतो त्याच्यावरती देवाचा दास हाथ ठेवतो जो अर्पण प्रभु के पास लाते है आणि जे अर्पण देवाकडे आणतात लेवी अध्याय 3:2 में पढ़ सकते है उस पर हाथ रखकर उसको आशीषित किया जाता है अर्पण के ऊपर आणि लेवी अध्याय हमारे हाथ के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है कारण अपने हाथ द्वारा पवित्र आत्मा इसीलिए प्रियो मैंने आपको कहा कि अगर किसी ने शीघ्र ही आपके ऊपर हाथ रखा या आपके बड़े लोगों ने आशीष देने के लिए आपके घर में ब्लेसिंग करने के लिए प्यार से कभी कभी अपने माँ बाप अपने भाई बहन है ना हाथ घुमाते हैं ना अभी हमारा जोशुआ के बालों में हमारी इस हमेशा हाथ लोगों को देखना ना ये देखते इसे कभी अच्छा लगता है ना ऐसे किसी से हाथ घुमा इधर अच्छा लगता है वो प्यार से
कधी कधी जोशाच्या डोक्यांना अशी हात फिरवते कारण ते प्रेमाने करते. हा मग त्यावेळी ना देवाचं म्हणजे सांगायचं अध्यक्ष पटकन आपण आपला हात फिरू काम झालं ना लगेच आपण म्हणायचं पवित्र आत्मा माझ्या तुम्ही त्यांना काम होणे किंवा तुरंत बोलणे आहे की पवित्र आत्मा तुम्ही नाही त्या व्यक्तीच्या द्वारे काय काय उतरलेली सगळी बंधनं मी तोडतो तोडते और उस व्यक्ती के द्वारा जो कुछ बंधन मेरे ऊपर आहे वो सारे बंधन को मैं तोड़ देता हूँ या फिर तोड़ देती हूँ. आमीन. पवित्र आत्मा तुला मंगल और पवित्र आत्मा तुझे खुला करती हूँ रिलीज करती और तुझे रिलीज सामर्थ्य रिलीज तेरे सामर्थ्य को रिलीज करती हूँ. माहिती पडलं तर म्हणून कुणाच्या पाया पडू नका. पडला आता नैसर्गिक कधी कधी आई वडील आहे आई वडील आहे कोण आजोबाची असेल पडलात तुम्ही पण एक देव म्हणून नाही एक मान म्हणून तुम्ही पडता पण लक्षात ठेवा कुणाच्या पाया पडताय त्या व्यक्तीचं जीवन कसं हे जाणून पाया पडा. और अगर आप किसी व्यक्ति के पैर पड़ते हो उसको परमेश्वर बोलकर नहीं पड़े उसके आदर के लिए आप उसका पैर पड़ते तो सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसका जीवन कैसा है उसे चेक करो. नहीं तो मुझे रात रखे रखेगा कुछ आओगे अंदर आ जाएगा. हाँ तो आठ टेबल नहीं दूसरा बेहतरीन है. इसलिए पहला जो हमने पढ़ा शीघ्र किसी पर हाथ न रखना. पहले अपन पाएंगे कि शीघ्र कोना होते हाथ इस वचन को अगर हम देखेंगे किसी को अगर पास्टर बोलकर नियुक्त करना है तो हम किसी को तुरंत जल्दी पास्टर बोलकर नियुक्त नहीं कर सकते. अगर को अपने पास्टर से निवड़ कराई चाहे तो लगे इसको अपने पास्टर से निवड़ नहीं कर सकते. पटकन कुना में हाथ रखो लगे सारा पास्टर बनू नहीं सकते. अब तुरंत उसके ऊपर हाथ रखो उसे पास्टर बोलकर खड़ा नहीं कर सकते. आत्मिक अर्थ ऐसा है और उसका आत्मिक अर्थ ऐसा है दूसरों के पापों में भागी न होना. दूसरे पापा मध्य सहभागिता हो जाए तुम्हाला शिकवलं की कोणाचे पाप कोणाला पापात पाडण्यासाठी किंवा रे तुला गर्लफ्रेंडने मी तुला मिळवून देतो किंवा ह्याच्यासाठी किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी किंवा बढोतरी करणं कोणाचं कोणाला अरे तू तुला बघतो तो तुलाच बघतो ऐसा करते किसी को पापी नाही करणार भागीदार नाही होणार. आणि कोणालाही पापामध्ये पाडण्यासाठी त्याच्या सहभागिता तुम्ही घेऊ नका. आणि तिसरं आपले आपले पवित्र बनायला आणि तिसरं स्वतःला पवित्र बनवून ठेवा. तुमचा देव पवित्र आहे आपला परमेश्वर पवित्र आहे तुम्ही पवित्र नाही राहिला पवित्र नाही जर तुम्ही पवित्र नाही राहिला अगर आप पवित्र नाही राहोगे तो तुमचा कसा वास करेल तो कसे आपले वास करेल. जिथं आपल्याला जायचंय जहां पर हमें जाना है पवित्रता आहे वहां पर पवित्रता तुम्हाला तिथं पवित्र बनलंच पाहिजे. यहाँ पर आपको पवित्र बनना ही चाहिए. पवित्र राहण्यासाठी तुम्हाला काय गोष्टी केल्या पाहिजे इसलिए पवित्र परमेश्वर को नहीं चलेगा. तो पवित्र देव आहे वो पवित्र परमेश्वर आहे. त्याने आज्ञा दिली की तुम्ही पण पवित्र राहा. उसने आज्ञा दी की तुम्ही पवित्र बने रहो. मूर्ती पूजेपासून वाचून रहा. इसलिए मूर्ति पूजा से बचे रहो. व्यभिचारापासून वाचून रहा. व्यभिचार से बचे रहो. जादूटोनापासून दूर रहा. जादूटोना से दूर रहो. आणि या सर्व जे दारू व्यसन या सर्व गोष्टींपासून दूर रहा. और दारू व्यसन इन सारी बातों से दूर रहो. हे आपल्याला मलिन करतात और ये हमें अशुद्ध करतात. आपल्याला अपवित्र करतात. हमें अपवित्र बनाना है. आपल्याला पवित्र राहण्यासाठी और हमें पवित्र रहने के लिए या सर्व गोष्टींचा त्याग करणं गरजेचं. इन सारी बातों को त्याग देना जरूरी है. ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला अशुद्ध करतात जो जो बातें हमें अशुद्ध करती है त्याच्यापासून आपल्याला लांब राहायचं और उनसे हमें दूर रहना है. कोणत्या गोष्टी ज्या गोष्टी आपल्याला अशुद्ध करतात और कौन सी बातें जो बातें हमें अशुद्ध करतात मलिन करतात जो हमें मलिन करती है पाप हे आपल्याला अपवित्र करतात. और उनसे पाप करवा कर हमें अपवित्र करवाते हैं. कोणते येते कौन से है वो वाचूय म्हणजे तुम्ही बघा चेक करा तुमच्यात आहे का गलती करण्याचं पत्र. गलतीयो की पत्री तिथे लिस्ट दिली आहे. वहां पर लिस्ट दी गई है. काय दिली आहे लिस्ट दिली आहे. लिस्ट दी आहे ठीक आहे. गलती करण्याचं पत्र गलतीयो की पत्री गलेशियन चॅप्टर 5 गलतीयो की पत्री अध्याय 5 आणि त्याच 19 उसको 19 से तुम्ही स्वतःच्या देह स्वभावाप्रमाणे चालला तर तुमच्या जीवनालाही कटू फळे येते. हा कोणती फळे येतील कटू. तुम्ही कटू आहात का कडवे आहात का तुम्ही आप कडवे हे घ्या. काही जणांसाठी कडवी बोलते ना तुला बुद्धीच नाही असं तू तशी तू अशी जरजनी असं बोलते ना कडू बोलते ना मग मी कडू आहे ना मी कडू आहे म्हणून कडू बोलते. अग मी कडवी होईल मी कडवी बातें करते. काय
छोटस उदाहरण छोटस उदाहरण कड़वाच छोटस उदाहरण और कड़वाच का छोटस उदाहरण तुमच्या जीवनालाही कटु फळे येतील. अशुद्ध विचार, अशुद्ध विचार, वाईट वाईट विचार आहेत का? बुरे बुरे विचार नाही, सारखं मनामध्ये विचार असतात का तुमच्या? और मन मन में आपके बुरे बुरे विचार येतात. प्रार्थनेला बसल्या कुठेतरी तुम्ही फिरायला गेलाय. और प्रार्थना में बैठने के बाद कहां पर आप मन मन मध्ये फिरायला गेले तुम? और आपका मन घूमने के लिए गया. ते भाग मला विचार और मन में ऐसे विचार गरज नाहीये. फक्त व्यभिचारांचेच विचार असतात. माणसाला खूप सारे विचार असतात. और जरुरी नाही की सिर्फ व्यभिचार की सोच होनी चाहिए. मनुष्य को बहुत सारी सोच विचार. मी विचार नाही प्रभूला. और मैंने प्रभु को काय असा विचार येतो? प्रार्थनेला बसल्यानंतर काय मला मी इथं गेली, मी तिथं गेली, मी असं झाले, भाग बनवायचं, हे बनवायचं का असं येतं? और मैं प्रार्थना के लिए बैठने के बाद मेरे मन में ऐसे मैं यहाँ पर चावल बनाने के लिए ऐसे सब बातें मेरे सोच विचार मेरे मन में क्यों आते हैं? मोटा प्रश्न मुझे वाला विचार. और ये बड़ा सवाल मैंने प्रभु को पूछा था. बोले तू बाइबल वाचत नहीं कमी कम वाचते. प्रभु ने कहा कि तू बाइबल कम पढ़ती है. जास्त बाइबल वाच. तू ज्यादा बाइबल को पढ़ तो तुझे विचार नहीं है. तो तुझे सोच विचार नहीं है. जास्त विचार नहीं बरोबर. तू जे गाने गाते थे तुला माहिती पड़े कौन सा गाना गाते. और जो गाना तू गा रही है वो तुझे बराबर रीति से मालूम पड़ेगा. म्हणून हे उपाय आहे. उपाय सांगा कारण मी याच्यातून गेली म्हणून सांगितलं. अब मी इसमें से गेली इसलिए मैंने आपको बताया. करूपणा, वाईट विचार, दुसरं तिसरं कामातुरपणा. कामातुरपणा गंदे काम. गंदे गंदे कोण से काम आहे? घर घर कोणती कोणती कामं आहे? कोणते गंदे काम आहे? व्यभिचार करना गंदा काम है. चोरी करना गंदा काम है. गलत जगह पर जाना गंदा काम है. गंदा काम, गंदे गंदे वीडियोस देखना ही गंदा काम है. चुपके से बाथरूम में घर में गंदे गंदे वीडियोस देखना ये गंदा काम है. बीयर बार में जाना, दारू के अड्डे पे जाना गंदा काम है. ये सब गंदे काम है ना. और बहुत सारे ऐसे गंदे काम है. अरे ऐसे खूब सारे घर काम आ ये गंदे काम है. ये घर काम आ है. आगे मूर्ति पूजा. मूर्ति पूजा ये गंदा अच्छा काम नहीं है. ये शरीर का काम है जो हमें अपवित्र करती है. मंत्र तंत्र जादू टोना. जब आप जादू टोना की कोई भी विधि को मानते हो, सुनते हो तो आप अपवित्र हो जाते हो. आगे मंत्र तंत्र म्हणजे दुष्ट आत्म्यांचे कार्य चेतावणे. तिरस्कार. तिरस्कार जब आप परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाते हो यानी आप अपवित्र हो जाते हो. मत्सर. मत्सर यानी आप बैर रखते हो, किसी से नफरत करते हो, जलन करते हो, ईर्ष्या करते हो. आपको ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, इस पर इसका अच्छा हो गया, अरे बाबा करता ये छोड़ा और इसको इतना छोड़ा अच्छा नहीं लगा क्यों तो है. तो ये मत्सर आता है ये नहीं होना चाहिए. ये अपवित्र करता है हमें. कलह. कलह यानी झगड़ा करना. हम जब झगड़ा करते हैं तो हम अपवित्र होते हैं. क्रोध. गुस्सा करना. गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाना. सूर्यास्त होने से पहले खत्म न करना, बातचीत न करना ये अपवित्र करता है हमें. स्वतः साठी उत्तम ते मिळवण्याचा सतत प्रयत्न. हाँ कुकी सब कुकी है माझे हे माझे हे माझे हे माझे हे पैसा माझे हे माझे सगळं त्याच्यासाठी काय तर टाकापटा काही पण करा आणलो पाहिजे ते का हो अपवित्र करता है. कुरकुर. कुरकुर काय बाई एक वाजला ही अजून संपवलं नाही भूका लागले सकाळपासून उपासायला पूर्ण भोगाने छोटी छोटी बसते छोटी छोटी पोरं छोटी पोरांचं काही कंप्लेंट नाही पण मोठ्यांचे बोलतो कुरकुर करतो ना आमचं उभाते ऐसा किया ऐसा ऐसा किया ये ऐसी है वो ऐसा है ये ऐसी है कुरकुराते हैं. ये अपवित्र हमको अपवित्र करता है. टीका. आप दोष टीका निकालते हैं ये ऐसा है इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया दोष लगाते हैं हम अपवित्र करता है ये. कंटाले नक्की एंड है लास्ट है. आपको मालूम होना चाहिए आप पवित्र कैसे रह सकते. अगर आप इसमें से कुछ एक जम करते होगे शायद सब नहीं होगा आपका देश.
आणि तुमची सगळी लिस्ट असेल इतने तो हम बुरे नहीं कि सब हम करें आणि एवढं तर आपण वाईट नाही की आपण सगळे पापं करेल आम्ही मूर्ती पूजा करते आता आपण मूर्ती पूजा करतो जागरणा करते जागरणा करतो का व्यभिचार करते व्यभिचार करतो का नाही करते दारू पीती हूँ क्या मैं दारू ले लिया मैं तम्बाकू मैं खाती हूँ क्या मैं तम्बाकू खाती हूँ नहीं इतना तो मैं नीचे गिरी नहीं हाँ लेकिन गुस्सा करती हूँ ना बदलाव करते ना तो मुझे आप पवित्र में हो रही हूँ ना इसलिए मैं जो करे मैं आप पवित्र होती है ना कड़वा बोलती हूँ ना कड़ो बोलते ना अरे मैं आप पवित्र हो रही हूँ ना मुझे मैं आप पवित्र हो रही हूँ इतनी बड़ी लिस्ट में मैं इतनी नहीं हूँ लेकिन दो तो मिले ना आणि एवढ्या मोठी लिस्ट माझी नसेल पण दोन तर असतील दो बाते भी मुझे अपवित्र करती है पण त्या दोन गोष्टी सुद्धा मला अपवित्र करतात इतना सब पढ़के भी जो व्यक्ती करता है वो एक करो या दो करो अपवित्र है आणि एवढं सगळं वाचून सुद्धा जर कोणत्या व्यक्ती एक करो दोन करतो पण तो अपवित्र एक करो दो करो इसमें से एक करो दे किंवा दोन करो दे याच्यातला अपवित्र है तो अपवित्र आहे हम अपवित्र बन रहे हैं आपण अपवित्र बनत आहोत अपने कपड़े मैले हो रहे आणि आपले कपडे मळता है से हमें पवित्र रहे म्हणून आपल्याला पवित्र राहायचे आहे एक एक और पना हाँ खुद का ज्यादा बढ़ाना अपना ही खुद का सच करना ज्यादा आगे आगे करना आगे तुमच्या स्वतःच्या छोट्या गटाचे बरोबर व दुसऱ्याचे दोघी वृत्ती आपल्या स्वतःचा गट आपला ग्रुप चांगला आहे हे लोकच वाईट आहे हे लोक ही गलत है हम तो सब अच्छे मैंने कुछ नहीं किया मैं एक औरत को जानती हूँ जब एक बार वो प्रार्थना में आई थी अरे इस स्त्री का पहले प्रार्थना में आ रही होती और पास्टर वो उधर प्रीचिंग कर रहे थे अरे पास्टर देखे प्रीचिंग कर रहे थे और वो बोले तुम मूर्ति पूजा करो बोलते नहीं और उधर कुछ लोग बोले पास्टर बोले व्यभिचार करते नहीं पास्टर तो व्यभिचार करते नहीं कुछ लोग वो पास्टर बोला झूठ बोलते हैं पास्टर माने खोटा बोलता नहीं नहीं ये सबको नहीं बोलते ये सब ना नहीं बोलते गाली नहीं देती निंदा नहीं करती चोरी नहीं करती कुछ सबको उसने नहीं करा अच्छे वाला देख निंदा नहीं कर काहे सब ना दी नहीं बना दे आज संसार में आज की जगह में और जो लोग उस समय पश्चाताप कर रहे थे वो अभी भी है और मैं भी हूँ जी लोग पश्चाताप करो तो तीन लोग आता पर हिस्सा देना नहीं भी सुधार है आपको समझा ये याद वो मिलती है मुझे कभी कभी अच्छी भेटते मना कभी कभी देखती गर्दन नीचे करती है आणि मला बघून मान खाली करते क्योंकि मैंने उसको बोला था क्योंकि मेरीच बाजू में थी ना आणि ती माझ्याच बाजूला होती ना म्हणून तिला बोलला होता कुछ नहीं करती तो काही नाही करत कुछ नहीं करती काहीच नाही करत तिथे घर में क्या होता है रोज मग तुझ्या घरात रोज काय होत मेरे बाजू में गाडी रहते बोलती मी कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती कुछ नहीं करती माझ्या बाजूला कुछ नहीं माझ्या बाजूला उभी राहून म्हणते मी काही नाही करत तू काय नाही करत मालूम हुआ आगे वो खोटे शिक्षण झूठा शिक्षण देना हे बात जो अपने ज्यादा किसी बात का इच्छा रखना खून मर्डर करना दारू बजी दारू पीना रंगेलपना रंगेलबाजी आणि अशा प्रकारच्या सर्व गोष्टी ऐसी सब बातें हमें अपवित्र करता है इसलिए प्रभु का आज का वचन कहता है किसी पक्षी का हाथ नहीं रखना कोणा की ओर हाथ ठेवू नका दूसरी गोष्ट कोणाच्या बापामध्ये भागीदार होऊ नका और दूसरी बात किसी की भी पाप में सहभागिता नहीं करना पवित्रता बनाए रखना मतलब पवित्र आता तुम्ही पवित्र आहात और अभी आप पवित्र है रात्री रात को चीयर्स नहीं बोलना और चीयर्स नहीं बोलना चाहिए हाँ बनाए रखो आणि पवित्रता बनवून ठेवा थोड्या वेळासाठी नाही थोडे समय के लिए नाही बाद में गिर गए और बाद नंतर पैसे नाही महा फिर से पडो उस लाइन आणि असं नाही तुम्ही पुन्हा त्या लाइन ही लाइन पुन्हा 22 वाचा 22 वो वचन ती मध्ये असं सांगते पाळसांची निवड करण्यात कधी घाई करू नये घाई केली तर कदाचित त्याच्या पापांकडे दुर्लक्ष होईल आणि लोकांना वाटेल की या पापांपासून तुझी मान्यता आहे सर्व प्रकारच्या पापांपासून तू स्वतः दूर राहा दूर राहा हिंदी वाले पडो कोई भी जोर से किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना दूसरों के पापों में भागीदार न होना बनाए रख अपने आप को पवित्र बनाए रख तब तक जब तक सांस है तो बंद श्वास है बनाए रहना आज है आज है फिर अपवित्र हुए मकुना अपवित्र झाले ऐसा नहीं असं नाही प्रभु के पास आप पहुंचने तक पवित्र बनने रखना आणि देवाकडे तुम्ही पोहोचेपर्यंत स्वतःला पवित्र बनवून ठेवा
ये प्रभु आज आपसे चाहता है आणि हेच आज देवाला तुमच्याकडेना पाहिजे हालेलुया हालेलुया जल्दी से किसी के पैर छूने नहीं जाना और अगर हाथ रखा तो अपने हाथ रखकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना लवकर कोणाच्या पाय पडले जाऊ नका जर पाय पडला तर मग त्याचा हात स्वतः सांडेल परत किसी के पापों में भागीदार नहीं होना कोणाच्या पापांमध्ये भागी नाही व्हायचे तुम्ही पवित्र बनून राहा तिसरा पवित्र बने रहो जोपर्यंत तुम्ही देवाशी मिळत नाही देवाजवळ जात नाही तोपर्यंत पवित्र बनून राहा जब तक आप परमेश्वर से मिलते नहीं परमेश्वर के पास पहुंचते नहीं तब तक अपने आप को पवित्र बनाए रखिए आओ हम प्रार्थना करेंगे रोड़े बंद करो आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या अनुग्रहाच्या सिंहासनाच्या समोर येते आजच्या वचनानुसार प्रभू या सगळ्यांना प्रभू पवित्र बनून राहण्यासाठी सहाय्य करा येशू ख्रिस्ताच्या नावाने सारखे धर पकड उडपट असं होऊन गेलो होतो चालताना यांच्या पायामध्ये टकण्यामध्ये बल येत प्रभू येशूच्या नावात हे पुन्हा कधी पडू नये हे पवित्र जीवन जगण्यासाठी सहाय्य कर पवित्र पिता सेनादेश परमेश्वर कुणाच्याही पापांमध्ये भागीदार होऊन देऊ नको आणि कुणासाठी प्रभू पवित्र पिता पापांमध्ये सहभागीता घेऊन देऊ नको कुणाला प्रार्थना करताना प्रभू पवित्र पिता हात कुणावर ठेवा कुणावर नाही हे सर्व जाणण्यासाठी सहाय्य करा स्वतःचं जीवन पवित्र बनवलं तर नॅचरली समोरच्या व्यक्तीच्या जीवनातील अपवित्रता नक्की निश्चय जाणार सगळ्यांना आशीर्वाद दे त्यांना लागणारी सगळी गरज पूर्ण कर करुणेचे कृपेचे पंख मागे हे वचन लक्षात राहण्यासाठी सहायता कर तुझा दास होण्याच्या नात्याने मी यांच्यावर हात उचलून यांना आशीर्वादित करते प्रभू दर मानसन्मानाने दीर्घायुष्याने नेतृत्व करण्यासाठी मदत कर हे बहुगुणी तो उंच हो आणि या पृथ्वीचे वदनदार हो प्रभू पवित्र पिता जो कोणी यांना कोसेल यांना श्राप देईल ते श्रापित होतील आणि जो कोणी यांना आशीर्वाद देईल ते आशीर्वादाचे भागीदार होतील यांना आशीर्वाद देते की तुझी लेकर आशीर्वादित आहे तू सणाला म्हणून यांना आशीर्वाद दिलाय टाकापर्यंत यांच्या आज्ञा उल्लंघनामुळे किंवा आपली मर्जीचे चलनेचे तेही बात न सुनेचे जो श्रापित आहे ठेव चुके मैं सारे शापों को यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीषित घोषित कर देती हूँ यीशु इनके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष इन्हें मिले इसलिए सारे श्राप को जिस श्राप से गुजर रहे हैं कुछ गरीबी दुख दर्द एक समस्या नहीं तो दूसरी समस्या इन सब श्रापों से मैं इनको मुक्त करती हूँ और इन्हें आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु आशीषित करती हूँ इनमें से सारी शहरों टीबी कैंसर एड्स एचआईवी नाना प्रकार की बीमारियां ये सब बीमारियों को मैं निकाल देती हूँ प्रभु यीशु के घाव से लोग चंगे होते हैं बीमारी का श्राप मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से तोड़ देती हूँ बीमारी का श्राप यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से तोड़ देती हूँ सभी चंगे हो गए इन सबका शरीर स्वस्थ हुआ है इन सबका शरीर स्वस्थ हुआ है मैं माफी मांगती हूँ मेरे हाथों को जोड़कर मैं आपसे सिर को झुकाकर माफी मांगती हूँ इन्होंने शरीर के द्वारा आपको बहुत हर्ट किया है आपका अपमान किया है आप इस देह को बहुत दर्द दिया इसलिए आज इनके शरीर में यातनाएं पीड़ाएं दर्द है इन्हें माफ कर दो क्योंकि इन्होंने आपको दुखाया इसलिए उनको वापस रिटर्न फेयर उनको वही मिला जो पाएंगे वही पाएंगे इसलिए आज इतने जनों के शरीर में जो दर्द पीड़ा है उनके लिए मैं माफी मांगकर चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु मुक्त करती हूँ उनके शरीर को सारे पीड़ा से सारे दर्द से मुक्त करती हूँ और डिक्लेयर करती हूँ धन्यवाद देती हूँ पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ सारा श्राप पूर्वजों का श्राप मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ इनके सिर के ऊपर जितने जनों ने हाथ रखे उनके उतरे हुए सारे अधिकार और श्राप मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ और मुक्ति छुटकारा और चंगाई की घोषणा करते हुए आशीष डिक्लेयर करती हूँ धन्यवाद देती हूँ इनके ऊपर में बढ़ती होने के लिए पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए और प्रभु इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीने के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ और अंत तक पवित्र बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कभी घर में नहीं है ये मेरी प्रार्थना है यीशु का लव मैं इन सब पर लगा है सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव मैं आपको देती हूँ इन्हें आपके छेदे में हाथों में देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से आमीन।